हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी पान आइसक्रीम की रेसिपी। गर्मी बहुत अच्छे से पड़ चुका है और आइसक्रीम हम सभी को गर्मी में खाना बहुत पसंद होता है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पान आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 5 पान की पत्ती लिया है। ये कलकत्ता वाली पान है। देखिए इसका कलर जो है डार्क ग्रीन कलर का है। आपको ये मार्केट में या फिर कोई पान के शॉप में मिल जाएगा। इधर बारीक वाले सौंफ लिया है मैंने 1 टीस्पून, और गुलकंद ये भी आपको पान के शॉप में या फिर डब्बे में भी मिलता है ये, और ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच। और सबसे पहले जो पान की पत्ती है उसके जो डंठल के हिस्से हैं उसको हटा लेंगे इस तरीके से। और इसके लिए ये यही पान यूज़ करिएगा, जो लाइट ग्रीन कलर का आता है वो मत यूज़ करिएगा। तो इस तरीके से सारे पान के डंडी को हटा लेंगे। और आपको अगर इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें 3 से 4 इलायची इसके साथ पीस के यूज कर सकते हैं। तो पान को एक कांची की मदद से इस तरीके से काट लेंगे। अभी एक ब्लेंडर जार ले लेंगे, इसमें पान डाल देते हैं। और सौंफ भी डाल देते हैं। अगर इलायची डालते हैं तो इसी टाइम पे डाल दीजिएगा। अगर सौंफ नहीं मिलता है बारीक वाले तो पान के शॉप में भी एक मसाला मिलता है जिसमें सारे मसाले मिक्स होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 चम्मच। इसमें मैं 4 चम्मच दूध मिलाऊंगी ताकि ये अच्छे से पीस जाए। पान को मैंने पीस लिया है तो स्मूथ करके पीसना है। आप कुछ अगर दूध थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगे तो आप मिक्स कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अभी इसको साइड में रख देते हैं। अभी क्रीम को बीट करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बोल में थोड़ा सा आइस ले लिया है जिससे कि क्रीम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ ना जाए। तो इधर मैंने 250 ml का एक फ्रेश क्रीम का पैकेट लिया है और आइस के ऊपर और एक बोल रख देंगे। और क्रीम को मैंने पहले से ही फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। क्रीम को मैंने निकाल लिया है। अभी इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूंगी जब तक नहीं ये क्वांटिटी में डबल हो जाए। आप चाहे तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड बीटर से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। चार से पाँच मिनट इसको बीट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से ये बहुत ही जल्दी हो जाता है और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता है। एक बार अगर आप खरीद लेंगे तो ये सालों साल चलेगा। तो देखिए क्रीम का जो क्वांटिटी है वो डबल हो चुका है और ये काफ़ी थिक भी हो चुका है। इधर मैंने कॉन्डेंस मिल्क लिया है और इसको भी मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। 200 ml का एक टिन लिया है। ये पूरा ही मैं यूज़ करूँगी। आप चाहे तो थोड़ा सा कम यूज़ कर सकते हैं। मीठा के हिसाब से आप कितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अभी इसमें जो पान का पेस्ट है वो भी डाल देंगे। और डाल के इसको 2 से 3 मिनट और बीट कर लेंगे। साइड के जो क्रीम है उसको बीच के अंदर के तरफ कर लेंगे ताकि अच्छे से सारे क्रीम जो है वो बीट हो जाए और एक साथ मिक्स हो जाए। अभी इसमें आप चाहे तो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इधर थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड किया है कलरिंग के लिए, और कलर डाल के इसको एक बार और मिक्स कर लेंगे। अभी इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के आप रात भर के लिए फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ दीजिए।
तो मैंने इधर एक केक टिन लिया है, इसमें मैं जमाऊंगी। तो इसमें जो सारा क्रीम है उसको डाल देंगे। और आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, या फिर चेरी को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने इधर थोड़ा सा पिस्ता और काजू को चॉप करके रखा था, तो उससे गार्निश कर दूंगी थोड़ा सा। इसे टेस्ट भी बढ़ेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। अभी इसको मैं क्लीन फ्लेम से रैप करके फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहे तो कोई भी बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, या अगर एयर टाइट कंटेनर में जमा रहे हैं तो ऐसे ही कंटेनर का जो ढक्कन है उसको लगा के आप जमा सकते हैं। इसको कवर कर लेते हैं और आइसक्रीम का जो ऊपर का लेयर है उसको बिल्कुल टच करके इसको कवर कर देंगे, ताकि आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल ना जमे ऊपर। इससे आइसक्रीम का जो टेक्सचर है वो खराब नहीं होगा। तो इसको लगा के इसको जमने के लिए छोड़ देते हैं फ्रीजर में। आइसक्रीम सेट हो चुका है, देखिए बिल्कुल अच्छे से जम गया है। तो गर्म पानी के बोल में स्कूपर को थोड़ा सा डीप कर लेंगे, ताकि आइसक्रीम अच्छे से निकल आए। सर्व करने के लिए मैंने एक पान की पत्ती लिया है, इससे दिखने में अच्छा लगता है। ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। सारे आइसक्रीम को स्कूप आउट कर लेंगे। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल का बटन है उसे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।